तो जैसा कि आज है कृष्ण जी का बर्थडे, तो उसी के साथ आज हम लोग आए हुए हैं स्कॉन टेम्पल। और यहाँ पे लाइन देख के सबको पता लगाओ कितनी लंबी लाइन है और कितने भक्त लोग यहाँ पे आए हैं कृष्ण जी के दर्शन करने। और यहाँ पे हम लोग इसीलिए आए हैं कि आज हम लोग को कृष्ण जी के स्पेशल दर्शन हो। और स्कॉन टेम्पल जो ये है नोएडा का है, और यहाँ पे जो सजावट की अरेंजमेंट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, काफ़ी अच्छे सुंदर मतलब जो था यहाँ पे डेकोरेशन की गई थी। इसी के साथ काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी थी, बहुत सारे भक्त आए हैं कृष्ण जी के यहाँ पे पूजा के लिए, उनके उनके दर्शन पाने के लिए, जो कि आपको यहाँ पे वीडियो में दिख रहा होगा कितने लोग लाइन में लगे हुए, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और अब हम यहाँ पे स्कॉन टेम्पल के एंट्रेंस पे आ चुके हैं, तो जैसे जैसे आपको वीडियो में आगे दिखता चला जाएगा कि यहाँ पे कितनी सुंदर डेकोरेशन थी, जो यहाँ पे आज कृष्ण जी के पास आके उनकी ब्लेसिंग्स ले पाया उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। और उसी के साथ जिसको नहीं मिल पाई वो इस वीडियो से ले सकते। ये है पूरा स्कॉन टेम्पल जो कि आपको सजा हुआ मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, मतलब देख के ही एक अलग एनर्जी वाइब जो होती है ना वो पूरी आ रही, एक अलग खुशी मिल रही थी इसे देख कर। और इसी के साथ यहाँ पे भीड़ जो थी मैं बता नहीं सकता कितनी ज़्यादा थी, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। और यहाँ पे जितने भी लोग आए थे वो पक्का यहाँ पर ब्लेसिंग्स लेके गएंगे और खुशी से गएंगे, जितनी भी नेगेटिविटी थी वो सारी चली गई, पॉजिटिविटी का यहाँ पे फील हो रहा है, पूरा पता चल रहा है कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे दर्शन करने आए होंगे उनका मन जो हो ना प्रसन्न हो गया, प्रसन्न मतलब प्रसन्नता से भर गया। और पीछे आपको भीड़ दिख रही है यहाँ पे, पूरा हाईवे यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे फ्लाईओवर है सब फ्लाईओवर पे पूरी भीड़ है यहाँ पे, वहाँ से वो लोग भी दर्शन कर रहे हैं। अगर वो लोग अंदर आके दर्शन करते तो ज़्यादा ही अच्छा होता, बट जहाँ से भी जो दर्शन कर ले उसके लिए वही बड़ी अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे हम लोग अंदर घुसे हैं और यहाँ पे जितने भी भजन चल रहे हो आपको सुनाई दे रहे होंगे, और थोड़ा बहुत आपको भी वाइब मिल रही होगी कि कितना ज़्यादा यहाँ पे अच्छा रहा है। और इसी के साथ अगर आप भी स्कॉन टेम्पल अभी भी जाते हैं तो आपको भी ये सारी वाइब्स मिलने वाली है। बाकी जब भी स्कॉन टेम्पल जाओ वहाँ पर पॉजिटिविटी का अनुभव होता ही होता है, पॉजिटिविटी आती है मन में, एक अलग ही खुशी मिलती है। और इसी के साथ जो भी हमारी एंग्जाइटी टेंशन होता है वो सब यहाँ पे दूर चला जाता है, एटलीस्ट उस टाइम के लिए तो पक्का दूर जाता है, इसीलिए हर किसी को जाना जरूरी है। इसी के साथ यहाँ पे डांस और यहाँ पे कुछ लीके सुनने सब मजबूत थे, क्योंकि उनकी जो लीला है वो अलग ही है और उसके लिए लोगों में जो प्रेम है वो काफ़ी दिखता भी है। उसी के साथ जैसे ही हम लोग बाहर आए, बाहर काफ़ी बड़ा मेला भी लगा हुआ है जो कि आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। हमने यहाँ पे कृष्ण की राधा कृष्ण की तो फोटोज़ भी खरीदी अपने साथ जो कि आपके स्क्रीन पर आ गई होंगी, और काफ़ी बढ़िया सजावट की यहाँ पे, तो यहाँ पर हर किसी को जाना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर वीडियो का मैं एंड कर रहा हूँ, सो हैप्पी बर्थडे कृष्ण जी, और यहाँ पर ब्लेसिंग्स।